यूपी के बरेली थाना विशारतगंज के गांव अतरछेड़ी निवासी दिनेश कुमार ने एमएलसी दफ्तर पहुंचकर बताया कि उनका पुत्र शिवम कुमार 13 सितंबर को पुलिस परीक्षा देने हेतु जयपुर गया था, जो अलीगढ़ से लापता हो गया, जो आज तक लगभग 6 माह बाद भी घर वापस नहीं लौटा है, जिसको लेकर उसके द्वारा काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। थक हार कर उन्होंने अलीगढ़ पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने का अथक प्रयास किया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 2 से 3 माह बाद उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर बरेली के थाना विशारतगंज पुलिस कान में तेल डालकर बैठ गई। लड़के के पिता दिनेश का आरोप है कि काफी समय बाद उक्त पुत्र शिवम कुमार 22 वर्षीय की लोकेशन अलीगढ़ के एक होटल की मिली, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया था। आरोप है कि युवक का अपहरण कर उसकी हत्या की आशंका जताई है। बरेली पुलिस के गोलमोल रवैये के कारण आज वो पुलिस दफ्तर में धरने पर बैठे हैं। मेरा लड़का 13/9/2021 को अलीगढ़ से गायब है और मैं लगातार उसी दिन मेरा लड़का शिवम कुमार 13/9/2021 के जयपुर परीक्षा देने गया था। शाम के लिए युवती का अलीगढ़ से फ़ोन आया, उसने बताया कि आपका बेटा मेरे यहाँ आया है और आधा घंटा रुका चला गया। जब मैंने उससे पूछा कि मेरा लड़का कहाँ गया, वो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। ठीक 22 सितंबर के लिए उसी लड़की ने बनवारी होटल अलीगढ़ में बैग बताया, बोले शिवम का बैग बनवारी होटल में रखा हुआ है और आप आगे ले जाओ। मैं 13 सितंबर को वहाँ अलीगढ़ गया, मैंने बैग पाया और मैंने बैग देखा और फिर लड़की के यहाँ गया और बात करी, लेकिन लड़की जो है टाल मटोल बातें करती रही। मैंने वहाँ जाके कप्तान साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ से कोई ना मुझे सूचना मिली और मैंने फ़ोन भी किया, कुछ नहीं बताया हमारे लिए। बोले कार्रवाई बरेली पुलिस करेगी आपकी, वहाँ से चला लड़का। मैं यहाँ भाग भाग के आया थाने में, मेरी 26 सितंबर के लिए बामुश्किल मेरी पत्नी और मैं हम गए रोए गिड़गड़ाने का भी, तो गुमशुदा लिखी गई थाना विशारतगंज में। तो मैं बरेली पर भागता रहा पुलिस से काफ़ी कहा, लेकिन कोई मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।